24 घंटे से भी कम समय में मोदी सरकार ने लिया यूटर्न। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दर कटौती का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट किया, ये फैसला भूलवश जारी हो गया था। भूल से जारी फैसले में 9 छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 1.10% तक की कटौती की गई थी। दरअसल मध्य और निम्न आय वर्ग को झटका देते हुए सरकार ने कल लघु बचत पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था। इस फैसले में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और बचत खाते में जमा पैसों पर ब्याज दरें कम कर दी गई थी। अब इन बचत योजनाओं में लाभार्थियों को पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने PPF पर ब्याज दर में भारी कटौती करते हुए इसे 7.1% से घटाकर 6.4% करने का ऐलान किया था। अगर ये दर लागू होती तो 46 सालों में ये सबसे कम ब्याज दर होती। किसान विकास पत्र के लिए ब्याज दर 6.9% से घटाकर 6.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए इंटरेस्ट रेट 6.8% से घटाकर 5.9%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के लिए इंटरेस्ट रेट 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान था। इस फैसले की सीधी मार निम्न और मध्य वर्ग पर पड़ने वाली थी। इसके अलावा बुजुर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होने वाले थे, इसलिए इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और सरकार ने चूक मानते हुए इस फैसले को वापस ले लिया। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का आदेश गलती से जारी नहीं हो सकता। दृष्टया मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ओवरसाइट से हुआ होगा। एक समीक्षा होनी थी, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि इस क्वार्टर में ना होके वो अगले क्वार्टर में की जाती। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुमलों की छूट की ये सरकार जनता से लूट की। सच्चाई यह है कि लघु बचत पर मिलने वाला ब्याज बड़ी संख्या में बुजुर्गों और मिडिल क्लास की जीविका का साधन है। ऐसे में सरकार को लघु बचत की ब्याज दरों में कटौती से बचना चाहिए। कोरोना काल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बैंकों के इंटरेस्ट रेट गिरते चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की और सामानों की डिमांड बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। सरकार ने ब्याज दर में कटौती का फैसला बुधवार रात को किया था, जिसे कुछ घंटों में पलटकर जनता को बड़ी राहत दी है।